गुड इवनिंग मित्रों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आ चुके हैं शिवनाथ एनीकट धामनसरा। तो अपने सभी बहनों और भाइयों के साथ, सब देख सकते हैं, पूरे फैमिली वालों के साथ आए हैं शाम को घूमने के लिए। पानी थोड़ा सा कम है दोस्तों, क्योंकि दो तीन दिन से बारिश नहीं हो रही है। फिर भी यहाँ थोड़ा बहुत पानी भरा हुआ है, लेकिन और पानी गिरने के आसार है, मौसम बदल रहे हैं। यहाँ पर है हमारा भाई नितिन, ये देख सकते हैं, टकलू बॉस बोलते हैं। एलिकेश भाई के लिए न्यू साइकिल लिया गया, देख सकते हैं, ज़ोरदार साइकिल है भाई का। तो अपन यहाँ से अब निकलते हैं, सही भाई लोग को देख सकते हैं जब गाड़ी में जा रहे हैं। यहाँ से हम जाएंगे खीरे की बाड़ी। तो दोस्तों, शिवनाथ नदी निकट से घूम के आने के बाद हम आ चुके हैं खीराबाड़ी। खीराबाड़ी में देख सकते हैं काफ़ी बड़े हो चुके हैं खीरे के पौधे। हम पिछले बार आए थे, दिखाए थे, उस समय छोटे थे, लेकिन अब देख सकते हैं बड़े हो चुके हैं। कितना शानदार लग रहा है बाड़ी। यहाँ से रोज़ाना टनों में पूरा खीरा को यहाँ पर उत्पादन किया जा रहा है, निकाला जा रहा है यहाँ से, और उसे बाहर दूसरे राज्यों में निर्यात किया जाता है। डेली यहाँ से खीरा दूसरे जगह जाते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कितना बहुत ही विशाल बाड़ी है। यहाँ अंदर से कम से कम 3 से 4 एकड़ में पूरा फैला हुआ है। फिलहाल मैं आपको यह इसका मेन आगमन दिखा देता हूँ। यहाँ से आप अंदर जा सकते हैं, उसके बाद वहाँ पीछे तक देख रहे हैं, पूरा वहाँ बाड़ी बाड़ी है दोस्तों। यहाँ से उसका मेन संचालन किया जाता है। वहाँ पर देख सकते हैं डब्बे वगैरह जो रखे थे, और यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से हरे हरे पेड़ पौधे दिख रहे हैं। उस समय वह छोटे थे, नीचे तक के जा रहे थे, लेकिन अब देख सकते हैं पूरे धीरे धीरे इसकी लताएँ ऊपर तक फैल चुकी हैं, पूरे धागों में लिपट के ऊपर तक आ चुके हैं। और यहाँ रोज़ाना नीचे से खीरे के फल निकलते जा रहे हैं डेली। तो देख सकते हैं काफ़ी मौसम बहुत प्यारा है दोस्तों, और ऐसे देख के और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के खीरों का टेस्ट भी बहुत खास है, मस्त मीठे मीठे खीरे हैं दोस्तों यहाँ के, और अलग अलग राज्यों में निर्यात किया जा रहा है यहाँ के खीरा को। खीरा ही सब छोटा छोटा है क्या? अभी डेली तोड़े थे, रेजा कुली मना ये हमारी मम्मी के साथ। तो जैसा कि भाई ने बताया कि रेजा कुली डेली यहाँ से तोड़ते हैं, सुबह सुबह यहाँ तोड़ने का काम होता है दोस्तों। सुबह सुबह यहाँ मजदूर आते हैं, तोड़ते हैं और खीरों को लेके जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक भी खीरा वैसे दिख नहीं रहा, छोटे छोटे हैं अभी, गलत अंदर और भी खोजेंगे तो दिख जाएगा आपको। फिलहाल मैं देख, काफ़ी बहुत ही सुंदर लग रहा था, प्यारा लग रहा है खीरे की बाड़ी, बहुत ही मस्त। तो यहाँ पर मैं आपको और बीच से दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर बहुत ही अच्छा खासा मस्त बड़े बड़े हो चुके हैं सभी। और अभी फ़िलहाल सीज़न में दोस्तों खीरे का उत्पादन बहुत ही बहुतायत मात्रा में किया जा रहा है। तो यहाँ से देख सकते हैं पूरे यहाँ पर थोड़ा सा दलदली जैसा बन चुका है, फंस सकते हैं इस कीचड़ में आपके, देख सकते हैं बरसात हुई थी जिसके कारण थोड़ा सा दलदली का माहौल है। बीच में जाओगे तो कीचड़ आपको पैर धंस सकता है, लेकिन मैं यहाँ ऊपर से ही बना रहा हूँ वीडियो। यहाँ पर देख सकते हैं सभी पूरे फैमिली लोग आए हुए हैं खीरे घूमने के लिए, खीरे खाते रहे और सब मजा ले रहे दोस्तों। बहुत देख सकते हैं किसी झूला नितिन का तो ये हमारा भतीजा नितिन, देख सकते किस तरीके से तानी कर रहा है, ये झूले में झूल रहा है। तो फिलहाल दोस्तों हम अभी निकल रहे हैं, यहाँ शाम भी हो चुकी है, तो हम अभी निकल रहे हैं यहाँ से। तो अब फिलहाल दोस्तों हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। खीरा खा के वीडियो को लाइक जरूर करें।